Good morning, class 4th. Today we are going to learn your maths subject and exercise is 1.5. In previous class, you have to learn what is round off, nearest 10. Okay? Today we will repeat this this topic. Round off nearest 10. मतलब जो नंबर्स आपको दिया जाएगा उसकी नियरेस्ट 10 क्या होगा आपको लिखना पड़ेगा. मतलब नियरेस्ट 10 मतलब टेंस की जितना मल्टीपल्स होगा ना वो आपको लिखना पड़ेगा. जैसे पहला नंबर क्या है 68. सबसे पहले मैं इसको कर रही हूँ नंबर 1 की ए. अभी 68 की राउंड ऑफ निकालने के लिए बोला है. 68 ये जो नंबर है 7 माने टेंस की जो नंबर नियरेस्ट 10 मतलब आपको 10 दो डिजिट वाला नंबर को टेंस के मल्टीपल्स निकालना है. तो मैंने 60 से लेके 70 मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो है 60 और 70. ये जो 60 और 70 है ये टेंस के मल्टीपल है. ओके अभी 65 इसका मिडिल नंबर हो गया तो मैंने बाकी सारे नंबर्स यहाँ पे लिख रही हूँ 61 62 63 64 एंड 65 फिर 66 67 68 और 69. 68 देखो कहाँ पे है यहाँ पे. तो नियरेस्ट किसकी है 70 की. तो आप इसकी नियरेस्ट लिखोगे 70. ओके नेक्स्ट क्या है बी नंबर बी. नंबर बी है नंबर आपका दिया है 94. तो जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो 90 और 100 के बीच में रहेगा. ओके और बीच में रहेगा 95. तो ये होना 90 ये 91 92 93 94 95 फिर आएगा 96 97 98 99 100. नंबर क्या है नंबर है आपका 94. तो नियरेस्ट किसकी है 90 की ना. तो 100 तो बहुत दूर है तो आपका नियरेस्ट जिसकी रहेगा. तो देखो 100 तक जाने के लिए इनको 1 2 3 4 5 6 जंप्स करना पड़ेगा और ये 90 के आने के लिए 1 2 3 4 जंप्स ही कर पड़ा. तो ये नज़दीक है तो इसका नियरेस्ट क्या होगा 90. ओके नंबर सी. नंबर सी में आपको दिया गया है 392. इसका भी फिर से मैंने नंबर लाइन बना रही हूँ. ये हमें ये थ्री डिजिट वाली नंबर है लेकिन आपको टेंस वाली नंबर ही लेना है. तो आपको मैंने फिर से 90 से लेके 100 तक मैंने नंबर्स लाइन बना रही हूँ. ये हो जाएगा 95. ओके फिर ये 91 92 93 94 फिर 95 हो गया 96 97 98 99 एंड 100. ओके अभी देखो ये 92 तो 92 ये है तो 90 के नज़दीक है तो इसकी राउंड ऑफ क्या होगा 390. समझ में आ गया. देखो 92 इधर है तो ये 92 तो इसका राउंड ऑफ ये होगा तो आप इसकी होगा 90. अभी नंबर डी. नंबर डी में है नंबर आपका 495. तो फिर से मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो 90 और 100 के बीच में रहेगा. 90 और 100 के बीच में रहेगा तो यहाँ पे होगा फिर से बीच में होगा 95 और ये होगा 91 92 93 94 फिर 96 97 98 9900. ओके ये 95 है देखो बीच में है. जब ये 5 डिजिट होता है ना तो हमेशा हम राइट की तरफ जाता है जिस राइट की तरफ जो नंबर होता है राउंड ऑफ वाला उसके तरफ हो जाता है. तो 95 किसके तरफ हुआ तो ये हो जाएगा आपका 100 की तरफ. मतलब 95 100 की राउंड ऑफ है. ओके तो 100 जब लिखोगे तो 100 का 1 जो है ना तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा तो ये किसकी राउंड ऑफ हो जाएगा 500 की. ओके समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट ई. नेक्स्ट ई में क्या बोला है 688 ये है नंबर. तो नंबर जो हम नंबर्स लाइन जो बनाएंगे 80 से लेके 90 के बीच में. ओके बीच में होगा 85. तो 81 82 83 84 85 फिर 86 87
88 और 89, ओके। ये नंबर क्या है 88, मतलब ये तो 90 के नियरेस्ट है, तो इसके राउंड ऑफ क्या होगा 88 के राउंड ऑफ होगा 90, तो आप यहाँ पे 690 लिख सकते हो, ओके। अभी नेक्स्ट एफ क्या है, नंबर 884, ओके। इसका भी मैंने नंबर्स लाइन 80 से लेके 90 के बीच में मैं कर रही हूँ, तो 85 हो गया, तो ये हो गया 80, 81, 82, 83, 84, 85, फिर हो जाएगा आपका 86, 87, 88, 89 और 90। तो ये है क्या है 84, तो ये 84 इधर है, तो 80 के नज़दीक है, है ना, 80 के नज़दीक। तो आप क्या करोगे, 80 के नज़दीक होगा तो आप ये 80 के राउंड ऑफ होगा, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 880। तो ओके, तो ये जो एफ तक मैंने कर दिया, ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने सॉल्व कर दिया। आपका सिर्फ होमवर्क रहेगा ये जी, और होमवर्क क्या रहेगा जी और एच, ओके। ये आप अपना नोटबुक में करोगे, जी और एच आपका होमवर्क, ओके, जी और एच आपका होमवर्क रहेगा, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट में आता है हम सेकंड नंबर पे बोला है किसकी राउंड ऑफ करना है 100 की, ओके। ये देखो नंबर राउंड ऑफ करना है 100 की, ये जो है ना ये नंबर नियरेस्ट 100 की आपको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे जो नंबर्स लाइन बनेगा ना 100 की मल्टीपल्स बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने बना रही हूँ, ये देखो ये 300, ये जो नंबर्स है 341 टू का ए नंबर्स है 341, तो मैंने एक नंबर्स लाइन बना रही हूँ जो 300 से लेके 400 के बीच में, ओके, और बीच में रहेगा 345। ये जो 300 और 400 ये किसकी मल्टीपल्स है, ये है 100 के मल्टीपल्स, ओके। तो फिर मैंने यहाँ पे 300 हो गया, फिर यहाँ पे मैंने लिखूँगी 310, 20, 100 के नियरेस्ट मतलब क्या होता है ना, 100 के मल्टीपल्स आपको लिखना है। यहाँ पे नंबर्स क्या है 341, ठीक है, 341 आपका है, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा आपको लिखना है। तो मैंने नंबर्स लाइन बनाया 300 एंड 400, यहाँ पे मैं नंबर पुट कर रही हूँ 310, 320, 330, फिर 340, फिर 350, फिर 360, 370, 380, फिर 390, फिर 400, ओके। यहाँ पे क्या है 341, तो 340 तो इधर ही है, 41 यहाँ पे होगा, 41 समझ में आ गया। तो किसकी राउंड ऑफ 400 की पास है ना, 400 के नियरेस्ट है ना, 300 के नियरेस्ट है, तो ये तो 300 की मतलब जो होता है ना 440, तो ये इसकी नियरेस्ट है, तो आपका इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 300, ओके। अभी नेक्स्ट में नंबर दिया है 575, तो मैंने आपका जो नंबर्स लाइन है ये मैंने 500 से लेके 600 तक बना रही हूँ। यहाँ पे होगा 510, 520, 530, 540, 550, फिर 560, 570, 580, 590, फिर 600, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है 578, तो 578 यहाँ पे होना चाहिए, समझ में आ गया। तो 578 जो यहाँ पे है तो ये 600 के पास है, नियरेस्ट है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 600, ओके। अभी नेक्स्ट में बोला है 1995, तो आपको ये वाला नंबर्स आपका फिर आपको लेना है नंबर्स लाइन 900 से लेके 1000 तक मैंने नंबर्स लाइन बना दिया, ओके। अभी मैंने ये 900, फिर ये हो जाएगा 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 990, फिर 1000, ओके। तो ये नंबर क्या है 995, तो 95 मान लो यहाँ पे 90 है, तो 95 इधर होना चाहिए,
995, तो किसके नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है, तो ये हो जाएगा 1000 की। अब जब 1000 हो जाएगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 2000। ओके, नेक्स्ट डी। डी में क्या बोला है, डी में बोला है आपका नंबर है 4076। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपका 70 से लेके जो नंबर्स लाइन है, तो आपका ये 400 जो है यहाँ पे मैंने 100 से लेके 200 तक मैंने इसका नंबर लाइन बना रही हूँ। यहाँ पे होगा 110, फिर 20, 120, फिर होगा 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, फिर 2000। ओके, तो ये देखो 76 है, मतलब 76 मतलब 100 के नज़दीक है, वो और भी इधर है, तो आपको ये 80 से लेकर 100 तक करना, तो यहाँ पे होगा, तो ये किसकी नज़दीक है, ये 4000 की नज़दीक है, माने 100 की नज़दीक है, तो इसका राउंड ऑफ होगा ये 4100 की। ओके, तो आज हम कितना तक कराया, आज हमने ये जो है 1.5 का 1 का पूरा मैंने करा दिया, आपका सिर्फ जी और एच आपका होमवर्क रहेगा, और नंबर 2 का ए बी सी डी मैंने कर दिया, आप सिर्फ करोगे ई और एफ, ये आपका होमवर्क रहेगा, ई और एफ आपकी होमवर्क आपकी रहेगा, ई एंड एफ होमवर्क। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, कहाँ पे करोगे ये सब, अपने नोटबुक मैथ्स की नोटबुक में करोगे। क्लियर, थैंक यू।